नगर पालिका उपचुनाव 2017 के चुनाव में इस बार संध्या सिंह ने वार्ड नंबर 18 से विजयी हासिल की है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी संध्या सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी रेशमा देवी को हरा दिया है। संध्या सिंह 5 वोट से चुनाव जीत गई। आपको बता दें कि संध्या सिंह वार्ड पार्षद समाज सेवी मंटू सिंह की पत्नी है। उनकी जीत में युवाओं का विशेष योगदान रहा। वार्ड संख्या 18 में प्रत्याशी भागमनी देवी का चुनाव के दिन ही देहांत हो गया था, जिसके बाद ऑब्जर्वर ने चुनाव रोक दिया था। लगभग 2 माह के बाद फिर से 6 तारीख को चुनाव हुआ था। चुनाव में मुख्य रूप से 5 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा इस बार दाखिल किया था। मेज छाप से चुनाव लड़ रही संध्या सिंह 5 वोट से चुनाव जीती। सुचारू रूप से कर सकें, अपने आने वाले दैनिक वस्तुओं का उपयोग ढंग से कर सकें और आप सभी मित्रों का जो यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में, सबों का एक बार पुनः खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार के साथ निश्चय के तहत कुशल जुआ कार्यक्रम का एक स्किल डेवलपमेंट केंद्र सुशीला साइबर कैफे एंड डिजिटल स्किल डेवलपमेंट इंडिया का उद्घाटन स्थानीय आधारशिला कॉम्प्लेक्स गायत्री होटल के ठीक सामने चंदवा में आरा के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर टीपी सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बिहार के छात्र तो पहले से ही काफ़ी प्रतिभाशाली है और जब इस कौशल विकास केंद्र से अंग्रेजी संवाद कौशलता के साथ कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो और काफ़ी प्रतिभाशाली हमारा राज्य हो जाएगा। कंप्यूटर में और इंटरनेट का इसका बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आज जो है जहाँ भी जाएँ, बिजनेस करें, नौकरी करें, बैंकिंग सेक्टर सब में इसकी जरूरत है। खासकर अभी तो GST लग गया, गाँव में भी अगर कंप्यूटर लगेगा तो उसको चलाने के लिए, इसमें यदि स्किल डेवलपमेंट है लड़के जो स्किल डेवलप हो गया तो उनका पेमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा फिक्स कर दिया इससे कम पेमेंट नहीं देना है, रोजगार भी बढ़ेगा और लड़कों को अपना पैसा भी मिल जाएगा, उनको अपना जीवन बढ़िया से चला। इस मौके पर समाज सेवी श्री यज्ञ नारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में सरकार ने दैनिक मजदूरी भी बढ़ा दी है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद दिए। साथ ही युवाओं को सलाह दिए कि आप मन लगाकर आप इस कुशल युवा कार्यक्रम को करें ताकि आप अच्छी सैलरी की नौकरी पा सकें। नवंबर पर ये अति पिछड़ा एरिया है और इस क्षेत्र में, इस जनपद में इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर कौशल विकास करने की संख्या बहुत कम है। आज के समय में ये मांग है कि जो भी युवा है उसको किसी न किसी सेक्टर में निपुण होना चाहिए। उस अनुरूप भारत सरकार और बिहार सरकार ने कौशल विकास केंद्र खोल करके युवाओं को मुफ्त में जो शिक्षा देने का जो कार्यक्रम चालू किया है वो काबिले तारीफ है। हमें आशा है कि जिला के इस क्षेत्र के नौजवान इसका लाभ उठाएंगे, हम अपने भविष्य को संवारेंगे। धन्यवाद ज्ञापन इस ट्रस्ट के संरक्षक श्री रणविजय सिंह के द्वारा किया गया। इस केंद्र के कोऑर्डिनेटर नगेंद्र सिंह ने इस पोस्ट पर प्रकाश डाला। सुशीला साइबर कैफे एंड डिजिटल स्किल डेवलपमेंट इंडिया नाम इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को जिनकी उम्र 15 से 25 हो और मिनिमम योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए उनको हम लोग शिक्षा देंगे। उसका तरीका है कि वो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जो धनुपुरा में अपना उसका जो ऑफिस है वहाँ से वो अपना सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा के और वहाँ से जो वो पंजीयन रसीद लेके आएंगे और साथ में आधार नंबर के साथ जैसे ही अपने हम सर्वर में डालेंगे वो टोटल उनका डिटेल्स उनका विथ फोटो जो वहाँ पे वो खिंचवाए हैं सेम टू सेम मेरे पास आ जाएगा और उसी के आधार पर हम उनका एडमिशन कर लेंगे और 1000 सिक्योरिटी मनी के रूप में जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित है जो कि रिफंडेबल है, बच्चे जो पढ़ के पास हो जाएंगे तो उनको फिर वापस सरकार उनके अकाउंट में वापस ले देगी। और 3 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 240 घंटा बच्चों को सिखाना है। इसमें 3 तरह का कोर्स है, पहला है आपको हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तीसरा है सॉफ्ट स्किल। 3 तरह का कोर्स हम लोग मिला के 240 घंटा बच्चों को सिखाएंगे। ये बच्चे जो रेगुलर बेसिस पे आके कोर्स कर लेंगे, हमको नहीं लग रहा है कि उनको कहीं भी जाए तो 20,000 की नौकरी मिलने में समस्या है।
वी डील्स विद स्माइल IIFL डीमैट अकाउंट इक्विटी कमोडिटीज करेंसी IPO बॉन्ड्स डेवेंचर टर्म लाइफ पॉलिसी एंडोमेंट सेविंग पॉलिसी यूलिप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इमीडिएट एन्युइटी चिल्ड्रन प्लान पेंशन प्लान म्यूचुअल फंड SIP MIP ELSS हेल्थ प्रोटेक्शन यूलिप मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक टैक्सी ट्रैक्टर इंश्योरेंस एंड ऑल मोटर इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस शॉप एंड शोरूम इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड होम लोन LIC हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड कॉन्टेक्ट अस सर्वेश कुमार जैन इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड सेकेंड फ्लोर मोहली टावर पीर बाबा मोड KG रोड बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग आला बिहार कॉन्टेक्ट अस 9334011639 और 8298982880 और 9386969909 IIFL इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड जब करंट लागल तो तू कहाँ रह तब मतलब का होत रहे बताओ दोनों चढ़त रहे सन दोनों लड़त रहे सन मतलब कि मरली है नो त हई गेल कि तुम चल गेली है हां त जो ऑनलाइन ऊपर रहे नो ऐसे बैठल ही है नो आज मैं तो गिरल हां गोड़ में मिला पचा तो मतलब अब बच्चा के जोन बच्चा रहन बच्चा जब इधर से जा रहा था नो हां तो वो हुई जे पानी तो जो करंट का तार था वो पानी में गिरा था हाँ। अच्छा तो आप यहाँ से दौड़ के गए इसको मतलब बचाने के लिए हाँ। तो आपको उस समय कुछ नहीं हुआ था आपका नाम कहाँ घर है हिला मत कुछ घाटी ई त कहा कि बेचारा के ज्यादा अभी तारा कैसन लागत आ अभी अंदर से कोनो दिक्कत नहीं खे ठीक बारा नो स्पीच वॉइस मॉड्यूलेशन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन स्पोकन इंग्लिश सीखने के इच्छुक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए फुलवीन जी विगत 9 वर्षों से संचालित एकमात्र विश्वसनीय संस्थान फुलवीन जी स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय आशीष सर कॉन्टेक्ट अस एट फुलवीन जी स्पोकन इंग्लिश सिंह मार्केट पकड़ी चौक नियर LG शोरूम आरा मोबाइल नंबर 9234764085 एंड 8880478471711